हेलो एवरीवन गुड इवनिंग ऑल तो आज आप लोगों का लेक्चर जब मैंने सुबह लिया तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है आपने इतना प्यार दिया है इतने सारे मुझसे क्वेरी क्वेश्चन और जो कुछ भी आपको करना था आपने कॉल किए आपने मुझे कांटेक्ट किया और इतना सारा आपका इतना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स दे के मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक और क्लास ली जाए आपकी तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी के लेक्चर में प्रो कैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन तो ये जो लेक्चर है इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज मॉर्निंग वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए और फिर ये लेक्चर भी स्टार्ट करिए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं गुड इवनिंग धवल सर गुड इवनिंग भरत सर गुड इवनिंग टॉपर्स ब्लूम गुड इवनिंग एल के सो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर प्रो कैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो अभी स्टार्ट करने से पहले जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट होंगे उतना हमको पढ़ने में और मुझे आपको पढ़ाने में मजा आएगा क्योंकि जब आप क्वेरी करते हैं क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं आपकी क्लियर करती हूँ तो मुझे भी अपना इम्प्रूवमेंट लगता है कि मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ तो आप जितने फ्रेंड्स को अपने जूनियर्स अपने सीनियर्स जिनके भी साथ ये लिंक शेयर करना चाहते हैं फटाफट से लिंक शेयर करिए और लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फटाफट से मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए ओके okay, यहाँ पर ये डाउट सेशन नहीं है ये हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा नया टॉपिक है हमने आज सुबह इंट्रोडक्शन देखा था प्रोकैरियोटिक सेल का एंड यूकैरियोटिक सेल का अभी हम यू के प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखने जा रहे हैं और अगर आपने आज की क्लास मिस करी है तो आप मॉर्निंग वाली क्लास को यहाँ पर एक लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मॉर्निंग वाली क्लास को उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट देख सकते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मॉर्निंग वाली क्लास भी आप अच्छे से करें ताकि आपको बेसिक क्लियर करके आगे जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो तो फटाफट से आप ये लिंक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल की शेप किस तरह की हो सकती है किस तरह के अरेंजमेंट में प्रोकैरियोटिक सेल रह सकती है या फिर उनका साइज़ कैसा हो सकता है इसके अलावा हम उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलेंगे हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में उसका जो कैप्सूल होता है वो किस तरह का होता है वो किस से बना होता है फिर हम सेल वॉल की बात करने वाले हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करने वाले हैं इंक्लूजन बॉडीज जो कि प्रोकेरियोटिक सेल अपने आप को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेशल एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं तो उन्हें इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं इनके बारे में भी हम आज कुछ पढ़ने वाले हैं प्लाज्मिट के बारे में हम जानने वाले हैं प्रो न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं इसके अलावा जो बैक्टीरिया के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उसको लोको में मोशन में या अटैचमेंट में हेल्प करती है तो उन स्ट्रक्चर्स को जैसे कि पिलाई फ्लजला इनको भी हम देखने वाले हैं इसके अलावा जो प्रो सेल्स होती हैं, वो कैसे डिवाइड करेंगी वो भी आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं तो अभी हम कमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या कमेंट्स आए हैं हमारे पास गुड इवनिंग अंशुल गुड इवनिंग रवि गुड इवनिंग समीर अहमद तो जल्दी से जल्दी इससे पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें फटाफट आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए चलिए तो कंटिन्यू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की बेसिक जनरल जो हम इंट्रोडक्शन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ के तो सबसे पहले जो ये प्रोकैरियोटिक टर्म था उसको इंट्रोड्यूस किया गया ट्वेंटी सेंचुरी में अभी यहाँ पर दो साइंटिस्ट आए 1962 में दो साइंटिस्ट जिनका नाम था आर श्रेनियर एंड सी बी वॉन इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था प्रो सेल के बारे में जो जब ये लोग इन्होंने सबको लाइट में बताया कि प्रो कैरोटिक सेल्स कुछ इस तरह की सेल्स होती हैं कि ये यू सेल के कंपेरिजन में आप प्रोकैरियोटिक सेल को देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहता है तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्क्राइब किया किसके बेसिस पे कि उनमें यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में क्या क्या ऑर्गेनिल नहीं है यानी कि उन्होंने बताया कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मिलेगा लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है इसके अलावा जो यू कैरोटिक सेल्स होती हैं उनमें मिलेंगे लेकिन सेल तो से के कम्पेरिजन के बेस पे प्रोकेरोटिक सेल को डिस्क्राइब किया था तो आगे देखते हैं अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रोकेरोटिक सेल्स होती हैं वो जनरली किन किन शेप्स में देखी जा सकती है तो सबसे पहले और जो सबसे बेसिक शेप होता है उसकी बात करते हैं और वो जो शेप है वो है कोकाई कोकाई यानी रफली स्पेिकल शेप तो देखिए एग्जैक्ट स्पीयर तो होता नहीं है कि कोई कंपस लेके बैठा है और स्परिकल शेप से सेल बना रहा है यहां पर रफली स्परिकल शेप की कुछ सेल्स होंगी जैसे हमने कोकाई बोला अगर ये सिंगल सेल है तो इसको मोनोकोकस कहा जा सकता है अभी जब ये मोनोकोकस जो सेल है है या कोई बैक्टीरिया जब ये डिवाइड करेगा तो हो सकता है डिवीजन के बाद जो दो नई डॉटर सेल अरेंजमेंट है ये सब जो बात हम कर रहे हैं बैक्टीरिया के कि वो सिंगल फॉर्म में होगा या डिप्लोकोकस फॉर्म में होगा या चेन फॉर्म में होगा या बैक्टीरिया रैंडमली अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड करके कुछ इस तरह से ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं जो कि क्लम्ब फॉर्म है जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया और इस तरह से चेन फॉर्म में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं तो अभी बात करते हैं बैक्टीरिया के दूसरे स्ट्रक्चर की बेसिलस या बेसिलाई यानी कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया अब ये जो बैक्टीरिया होंगी इनकी लेंथ एंड में डिफरेंस है हमने कहा कि ये बैक्टीरिया जो है ये इसकी लेंथ और विथ में डिफरेंस होने के कारण ये इस तरह का रॉड शेप्ड बना सकते हैं तो ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है इसको हमने कहा बेसिलस या बेसिलाई अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं बहुत ही फेमस E. कोलाई या फिर आपने सुना होगा लेक्टोबेल तो यहाँ पर भी ये जो बेसिलस वर्ड है ये रेफर कर रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है रॉड शेप बैक्टीरिया होगा अभी बात करते हैं बैक्टीरिया के थर्ड शेप की जो कि है विब्रियो शेप यानी कि इस तरह का कॉमा शेप जो कॉमा होता है इस तरह का एक बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरिया की ये एक शेप है इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं वीब्रियो कोलेरी ये जो बैक्टीरिया होता है आपने सुना होगा कि ये कॉलेरा कॉज करता है अभी बात करते हैं बैक्टीरिया के एक और शेप जिस जो की है स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया कुछ इस तरह से वायरल शेप के बैक्टीरिया भी देखे जा सकते हैं तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं आपने सुना होगा कंपायलो बैक्टर जजनाई जो कि हमारी आ, स्टमक में रहता है और ये बहुत ही कम पीएच पे सरवाइव करता है साथ ही स्टमक अल्सर भी कॉज करता है तो ये जो कुछ कॉमन शेप थे बैक्टीरियाज के अभी हमने डिस्कस किए अभी हम चलते हैं बैक्टीरिया की साइज के ऊपर कि किस साइज के एवरेज बैक्टीरिया मिलते हैं तो देखिए यहां पर एवरेज बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया की एवरेज साइज की बात करें तो ये वन एवरेज साइज जो होती है बैक्टीरिया की वन टू सिक्स माइक्रोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म कोलाई को इसलिए चूज किया गया है क्योंकि ई e. कोलाई की जो साइज होती है वन टू सिक्स माइक्रोमीटर के बीच में ही होती है तो देखिए ई कोलाई जो होता है रॉड शेप बैक्टीरिया होता है जिसकी विड्स होती है वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर और जिसकी लेंथ uh, होती है वो टू टू सिक्स माइक्रोमीटर होती है अभी है हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट की स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट जो होता है आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो वो स्मॉलेस्ट जिसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है गुड इवनिंग सर तो लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन से होते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्जेस्ट बैक्टीरिया होते हैं जिनकी साइज हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड माइक्रोमीटर साइज तक की हो सकती है जैसे कि यू सेल जो कि लार्ज साइज की होती है इस तरह के ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी साइज भी बहुत लार्ज होती है चलिए तो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया के शेप साइज या उनके अरेंजमेंट की अब हम चलते हैं बैक्टीरिया के सबसे इंपॉर्टेंट सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ सबसे पहले बात कर लेते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की तो आज मॉर्निंग वाले लेक्चर में हमने बैक्टीरिया का जनरल स्ट्रक्चर देखा था अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से जाके ये लेक्चर खत्म होने के बाद पहले वो लेक्चर देखिए क्योंकि वो बेसिक क्लियर करने के लिए वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से एक प्रो कैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग हमने यहाँ बनाई है तो यहां पर ये जो सबसे बाहर की कवरिंग है बैक्टीरिया की इसको हमने कहा कि ये बैक्टीरियल कैप्सूल होता है तो ये जो कवरिंग है ये कैप्सूल है कैप्सूल के नीचे अब देखिए कि कैप्सूल जो होता है वो कंपल्सरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि अपने बाहर एक लेयर का सिक्रेशन करते हैं और उसी लेयर को हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी भी लेयर का सिक्रेशन नहीं करते हैं तो उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी जो कि कैप्सूल के नीचे प्रेजेंट है अभी हम यहाँ पर शो करने जा रहे हैं वो है तो ये कैप्सूल के नीचे जो लेयर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये कौन सी लेयर है Cell wall. अभी देखिए जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है आपने कहा कि वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है लेकिन जिनमें कैप्सूल नहीं है तो यहां पर सेल वॉल सबसे बाहर वाली लेयर हो जाएगी अभी सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यहाँ पर ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमने दिखाया ये दो मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही है ब्लैक कलर से जिसको हमने शो किया है ये जो मेम्ब्रेन है इसको हमने कहा कि ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की कवरिंग covering, कवरिंग्स की या फिर लेयर्स की अभी हम बात करने जा रहे हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की यानी कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है तो देखिए ये है बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म अभी साइटोप्लाज्म में जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको वो कुछ एग्रीगेशन होते हैं यानी कि कुछ हो सकता है कि ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो जो कि एग्रीगेट होकर इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं अब ये जो एग्रीगेशन हो सकते हैं होते हैं वो हो सकता है कि, कि किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड हो या हो सकता है कि, कि किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड ना हो तो इन जो एग्री ये जो एग्रीगेशन है इनको हमने कहा कि ये इंक्लूजन बॉडीज हैं अभी बॉडीज के बाद आपको यहाँ पर ये ऑरेंज कलर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर है ये राइबोसोम्स हैं अभी बैक्टीरियल राइबोसोम या जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है हमने सुबह बात करी थी ये जो राइबोसोम है ये सेवेंटी एस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं अभी यहां पर पर्पल कलर से एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आपको प्लाजमिट दिख रहा होगा जो कि बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि प्रो सेल का कैरेक्टरिस्टिक है एक ऐसा यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये इस बैक्टीरिया का क्रोमेटिन मटेरियल है जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो इस तरह के न्यूक्लियस को या प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस को हमने कहा कि न्यूक्लियोइड ये जो स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जो कि प्रोकैरियोट में मिलता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है अभी देखिए बैक्टीरिया की सरफेस पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये होती हैं पिली या पिलाई तो ये पिलाई बैक्टीरिया की क्या हेल्प करेगी अगर इस बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होना है तो ये पिलाई बैक्टीरिया के अटैचमेंट में हेल्प करेगी इसके अलावा बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है कॉन्जुगेशन तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन वाले मेथड में भी पिलाई हेल्प करेगी और यहाँ पर आपको कुछ लंबे लंबे इस तरह के हेयर लाइक -like प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनको कहा जाता है फ्लैजिला तो फ्लैजिला जो होता है बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करेगा तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई कि, कि, कि किस तरह का एक बैक्टीरिया दिखता है अभी हम एक एक स्ट्रक्चर को एक एक कंपोनेंट को लेने वाले हैं उनके बारे में देखने वाले हैं कि किस कि तरह से ये बैक्टीरिया जो होता है अलग अलग लेयर से बना होता है हम कैप्सूल के बारे में पढ़ने वाले हैं हम सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं अभी जल्दी से आप क्या करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करिए आप जिनके भी साथ ये लिंक शेयर करना चाहते हैं फटाफट से लिंक शेयर करिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से किसी की भी क्लास मिस हो तो फटाफट से आगे हम चलते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं सबसे पहले हम आउटर मोस्ट लेयर से बात करेंगे यानी कि कैप्सूल से बात करेंगे तो हमने कहा कि जो कैप्सूल होता है ये कंपलसरी नहीं होता है बैक्टीरिया के लिए तो नॉट कंपलसरी फॉर बैक्टीरिया अभी बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया कैप्सूल वाली लेयर को सीक्रेट करते हैं अभी ये जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है तो यहां पर ये जो कैप्सूल लेयर है वो ग्लाइको कैलेक्स से बनी होती है ग्लाइको कैलेक्स जो कि पॉलीसेकेराइड होता है अभी ये जो कैप्सूल है या स्लाइम लेयर है इसको समझते हैं ये क्या होता है अगर बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल मिलता है तो कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया से टाइटली अटैच होता है और स्लाइम लेयर जो होती है वो बैक्टीरिया से लूजली अटैच होती है तो जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं या बैक्टीरिया की वॉशिंग करवाते हैं तो स्लाइम लेयर जो होती है वो हट जाती है बट कैप्सूल नहीं हटता है कैप्सूल को हटाने के लिए हमें कुछ और ट्रीटमेंट देना होता है सेल को बट यहाँ पर स्लाइम लेयर ईजिली वॉश ऑफ हो सकती है अभी देखते हैं कि कैप्सूल का फंक्शन क्या होता है तो, जो, तो ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेगा क्या करेगा ये बैक्टीरिया को हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगा <clears throat> यानी कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हो गई डेसिकेशन वाली कंडीशन हो गई या डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन हो गई तब यही कैप्सूल होता है जो बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है और बैक्टीरिया को हाइड्रेटेड रखता है इसके अलावा कैप्सूल का एक मेजर फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया को बचा के रखता है फेगोसाइटोसिस वाले प्रोसेस से यानी कि अगर कोई बैक्टीरिया अपने होस्ट को इन्फेक्ट करने जाता है तो उस होस्ट की इम्यून सेल बैक्टीरिया को पकड़ेंगी और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेंगी बट हो सकता है कि स्लाइम लेयर की प्रेजेंस के कारण बैक्टीरिया की जो सरफेस होती है वो स्लिपरी हो जाती है और जो इम्यून सेल्स हैं वो आसानी से बैक्टीरिया को पकड़ नहीं पाती है वो स्लिपरी सरफेस के कारण बैक्टीरिया जो होता है उस फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया को ये प्रोटेक्ट करेगा पेगोसाइटोसिस से तो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग यानी कि कैप्सूल की अभी देखिए अब हम बात करते हैं सेल वॉल की जो कि बैक्टीरिया का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है तो यहाँ पर सेल वॉल जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच का स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल प्रेजेंट है तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कैप्सूल के बीच में सेल वॉल होगी लेकिन अगर कैप्सूल नहीं है तो सेल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होगी कभी तो यहाँ देखिए सेल वॉल और कैप्सूल को मिलाके सेल एनवेलप का फॉर्मेशन होता है अभी बैक्टीरिया को सेल वॉल के बेसिस पे टू पार्ट में कैटेगराइज किया है कैसे कि सेल वॉल की प्रेजेंस के बेस पे एक टेक्निक होती है ग्राम स्ट्रेनिंग जिसको हम आगे देखने वाले हैं तो ग्राम स्ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो जो सेल जो बैक्टीरिया डार्क कलर की स्टेन लेते हैं या यानी कि पर्पल कलर की स्ट्रेन पर्पल कलर का जो स्टेन लेंगे डार्क स्टेन लेंगे उनको हमने कहा कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट कलर का स्टेन लेंगे यानी कि पिंक स्टेन लेंगे उनको हमने कहा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये किस टेक्निक के बेस पे हुआ ग्राम स्टेनिंग के बेस पे तो मेनली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है हमने सुबह डिस्कस किया था कि ये जो वॉल होती है ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी लेकिन हमने बात किया कि लाइपोपोलीसेकेराइड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है तो अभी हम बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल किस तरह की होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल किस तरह की होती है तो स्टार्ट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल का मेन कंपोनेंट हमने देखा था क्या होता है वॉल का मेन कंपोनेंट पैप्टिडोग्लाइके तो यहां पर हम बनाने जा रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स सबसे पहले देखिए यहां पर हमने ये ड्रॉ किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर्स इस तरह से ये कुछ शुगर्स हैं और ये कौन सी शुगर हैं ये भी अभी हम देखने वाले हैं तो यहां पर ये जो हमने ड्रॉ किया ये है नैम एंड नैग नैम यानी कि एन एसिटाइल एसिड और नैग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन तो इस तरह से ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली नैम एंड नैग की जो यूनिट्स हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं और जिस बॉन्ड से ये कनेक्टेड रहती हैं वो बॉन्ड होता है बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो यहां पर ये जो लेयर हैं आपस में इस तरह से बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड हैं तो इस तरह की कंटिन्यू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लेयर जो होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और सिर्फ बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही ये लेयर आपस में अटैच नहीं रहती है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के लिए कुछ क्रॉस लिंकर्स होते हैं देखिए ये कुछ अमीनो एसिड हैं चार अमीनो एसिड ये इस तरह से क्रॉस लिंकिंग करवाएंगे और जो ये लेयर्स हैं उनको आपस में अटैच करवाएंगे इस तरह से हमने कहा कि जो सेल वॉल होती है वो और भी ज्यादा सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर कुछ क्रॉस लिंकर्स ये प्रेजेंट हैं। अभी ये चार अमीनो एसिड कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं ये जो क्रॉस लिंकर्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये हैं एल एलानिन, एल ग्लूटामेट डाई अमीनो मैलिक एसिड एंड डी एल एन एन तो इस तरह से ये जो क्रॉस लिंकर्स हैं सेल के बीच बीच में प्रेजेंट हैं और ये सेल को एक्स्ट्रा यहां पर सेल वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ये जो नैम और नैग वाला शुगर वाला जो पार्ट था ये है इसका ग्लाइकेन पार्ट और ये जो क्रॉस लिंकर वाला पार्ट है ये है इसका पेप्टाइड पार्ट तो कंप्लीटली जो ग्लाइकेन पार्ट है और शुगर पार्ट है उसको मिला के बोला गया पेप्टिडोग्लाइकेन ये शुगर पार्ट जो कि ग्लाइकेन पार्ट है और पेप्टाइड पार्ट इन दोनों को मिला के बोला गया पेप्टिडोग्लाइकेन और को प्यार से म्यूरिन भी कहा जाता है तो इस तरह से लगभग ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लेयर्स जो की, की होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव लेयर्स अभी यहां पर देखिए जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है इसके बीच का जो गैप है इसको हमने बोला कि ये पेरी प्लाज्मिक स्पेस है तो यहां पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरी प्लाज्मिक स्पेस बहुत ही कम होता है या हम बोल सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है तो ये तो बात हो गई राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की अभी इसमें एक और कंपोनेंट रह रहा है जो कि है टिकॉइक एसिड तो इस तरह से सेल वॉल को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए यहाँ पर टिकॉइक एसिड की यूनिट्स प्रेजेंट है कुछ टिकॉइक एसिड की यूनिट्स जो हैं वो सेल की इस बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाती हैं तो उन्हें बोला जाएगा एसिड ये है टिकॉइक एसिड और ये जो टिकोइक एसिड की कुछ यूनिट्स हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट है इसको बोला लिपो टिकोइक एसिड क्योंकि तो ये लिपिड लेयर तक जा रही हैं अभी टिकोइक एसिड की बात करते हैं कि टिकोइक एसिड का कंपोजिशन क्या होता है एसिड जो होता है ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है और ये जो पॉलीमर होता है वो किस किस का पॉलीमर होता है प्लस फॉस्फेट रेबिटॉल और फॉस्फेट ये यूनिट्स आपस में जुड़कर एक पॉलीमर बनाती है और इस तरह से सेल वॉल को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आदि आदि पूछ रहे हैं कि मैम आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी या एक दो दिन के बाद बंद हो जाएगी बिल्कुल नहीं आदि आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है कि हम लोग ये जो पूरा कोर्स है आपका बीएससी का मैं आपकी सारी सेल बायोलॉजी की क्लासेस लेने वाली हूँ मेरे पास आपका सिलेबस भी है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँगी साथ में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊँगी तो नोट्स की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कल ही मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगी जहां से आप ये सारे नोट्स जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर नोट्स की तरफ ध्यान ना दें आप इतना क्योंकि नोट्स मेरी साइड से आपको मिल जाएंगे बेसिकली आपको यहाँ पर अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने तो आप जब आपके जब कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपको नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आप समझने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और यहाँ पर हमारी साइड से आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी मैं आपकी सारी क्लासेस सेल बायोलॉजी की क्लासेस लेने वाली हूँ तो अभी हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हमने देखा अभी ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल अभी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल देखते हैं तो हमने देखा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी सेल वॉल में एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा होता है जो कि लिपोप्रोटीन होते हैं अभी वो क्या होते हैं देखते हैं देखिए यहां पर ये जो मैं ड्रॉ करने जा रही हूं ये है बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है तो यहां पर भी ये ऑरेंज कलर से मैं बताना चाह रही हूँ कि आप समझ जाइए ये एक पैप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है बट आप नोटिस कर रहे होंगे इस लेयर को मैंने बहुत ही थिन बनाया है प्लस ये जो पेरी स्पेस है ये मैंने कुछ ज़्यादा रखा है क्योंकि होता भी यही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं इनके अंदर पेरी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और इनकी जो पैप्टीडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है यहाँ पर देखिए आप ये जो मैं ऑरेंज से ड्रॉ कर रही हूं <coughs> तो यहां पर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर अभी देखिए है इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पेरी प्लाज्मिक स्पेस जो कि लार्ज होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अभी यहां पर एक, एक एक्स्ट्रा लेयर यहां पर हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी जो कि ये वाली लेयर ये जो एक्स्ट्रा लेयर है यहां पर और ये लेयर है लिपोपोलीसेराइड यानी कि यहां पर लिपिड की लेयर होंगी ये कुछ लिपिड्स हैं और लिपो का मतलब होता है लिपिड पॉलीसेकेराइड का मतलब है शुगर यानी कि यहाँ पर लिपिड के अलावा शुगर्स भी प्रेजेंट होने वाली है देखिए कैसे ये जो लिपिड लेयर है हमने कहा कि इसके साथ शुगर्स प्रेजेंट होंगी तो इस तरह से कुछ लिपिड लेयर के साथ ही शुगर अटैच है रैंडमली अलग अलग लिपिड पे हो सकता है शुगर पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में अटैच हो इस तरह से तो ये जो लेयर हमने बनाई हमने कहा कि ये लिपो पॉलीसेकेराइड लेयर है अब पर्टिकुलर एक लिपिड की बात करते हैं जिसपे कि ये ऑलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड अटैच हैं ठीक है देखिए ये जो लिपिड है इसको हमने कहा कि ये लिपिड जिसपे कि शुगर अटैच होंगी ये होगा लिपिड ए अभी इसके ऊपर कुछ अटैच हैं तो जो शुरुआत की कुछ शुगर्स हैं इनको हमने कहा कि ये कोर पॉलीसेकेराइड है और जो ये पर्पल कलर से दिखाया है ये है एंटीजन ओ तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको यहां देखने को मिल रहा है लिपिड ए पॉलीसेकेराइड साथ में एंटीजन ओ ये जो स्ट्रक्चर है यही कारण होता है कि ये बैक्टीरिया को एंडोटॉक्सिन प्रोवाइड कराता है ये जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के लिए एंडोटॉक्सिन की तरह काम करेगा आपको पता होगा कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं अगर आपको पता है कि एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन क्या होते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन के बारे में क्या जानते हैं जल्दी बताइए वॉट इज एक्सोटॉक्सिन एंड वॉट इज एंडोटॉक्सिन और बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो देखिए एक्सोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होते हैं जो कि बैक्टीरिया अपने बाहर सिक्रेट करते हैं जिस भी मीडियम में वो प्रेजेंट होते हैं वहां पर सिक्रेटरी मटेरियल के फॉर्म में एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया सिक्रेट करते हैं बट एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होते हैं जो कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल है इसी से बैक्टीरिया का एंडोटॉक्सिन अटैच है जो कि लिपिड ए पॉलीसेकेराइड एंड एंटीजन ओ से मिलकर बना होता है तो ये ही वो बैक्टीरिया होते हैं हमने कहा कि जो कि एंडोटॉक्सिन रखने वाले बैक्टीरिया होते हैं तो ये तो बात हो गई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में आपको समझ आया बेसिक डिफरेंस क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक्चुअली जो पैप्टीडोग्लाइकेन लेयर होती है वो थिक होती है हमने बात करी कि यहाँ पर ट्वेंटी टू लेयरिंग होती है पैप्टीडोग्लाइकेन की तो यहाँ पर पैप्टीडोग्लाइकेन की लेयर थिक होगी अभी इसमें बीच बीच में ये जो क्रॉस लिंकर्स प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहे हैं बट यहाँ पर देखिए यहाँ, यहाँ पर थिन पैप्टीडोग्लाइकेन लेयर है तो यहाँ पर जब हम अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की कि किस तरह से जब हम क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन देते हैं बैक्टीरियल सेल्स को तो क्यों ऐसा क्या रीजन होता है जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो पर्पल स्टेन लेते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया जो है, वो हैं वो पिंक स्टेन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में यहां पर एक आपने बैक्टीरियल कल्चर लिया जिसमें कि काफी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं अभी आपने इन बैक्टीरिया को ट्रीटमेंट दिया क्रिस्टल वॉलेट का तो क्रिस्टल वॉलेट की वजह से जो भी बैक्टीरिया होंगे वो पर्पल कलर के अपीयर होंगे अभी डाई को रिटेन करने के लिए या डाई को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है आयोडीन का अब जब हम आयोडीन का ट्रीटमेंट देते हैं तो ये क्या करता है कि जब क्रिस्टल वॉलेट का आपने स्टेन दिया तो ये जो क्रिस्टल वॉलेट है बैक्टीरिया की में जाकर अरेंज हो जाती है यहाँ पर ये जो क्रॉस लिंकर्स हैं इनके बीच में कुछ इस तरह से यहाँ पर ये डाई के मॉलिक्यूल्स आकर फस जाते हैं तो जितनी ज्यादा जितनी बड़ी लेयर होगी उतने ज्यादा डाई के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आके फंस जाएंगे तो उतना ज्यादा स्टेन मिलेगा तो यही होता है कि जब हमने इसको क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन किया फिर उसके बाद आयोडीन का ट्रीटमेंट दिया आयोडीन के ट्रीटमेंट की वजह से जो डाई है वो स्टेबल हो जाती है उसके बाद हमने इसको वॉश कराया इथेनॉल से इथेनॉल क्या करेगा एक्स्ट्रा डाई को हटा देगा मतलब बैक्टीरिया की सरफेस पे अगर कोई एक्स्ट्रा डाई है तो वो हट जाएगी अभी इथेनॉल से वॉश करने के बाद बैक्टीरिया जो होंगे वो दो कलर के अपेयर होंगे एक होगा पर्पल और एक होगा पिंक चलो तो कलर है ही नहीं तो पिंक कलर के बैक्टीरिया और पल पर कलर पर्पल कलर के बैक्टीरिया हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं तो अभी देखिए कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरियाज में पैप्टीडोग्लाइकिन की थिक लेयर थी उस थिक लेयर के कारण जो डाई के मॉलिक्यूल्स थे उस क्रॉस लिंकर्स के बीच में जाके फंस गए और इस कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज जो थे वो डार्क कलर के अपीयर हो रहे थे तो पर्पल बैक्टीरिया थे हमने कहा कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तो वहां पर टू टू तो थ्री पैप्टीडोन की लेयर थी तो यहां पर इतनी कम लेयर्स में कितनी अटैच हो सकती है बहुत कम अटैच होगी फिर आपने एक्स्ट्रा डाई को वॉश ऑफ भी करा दिया तो अब जो कलर आएगा वो लाइट कलर होगा तो ये जो पिंक कलर आ रहा है वो किन बैक्टीरिया के लिए होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए तो ये जो टेक्निक थी इसके बेसिस पे क्रिस्टन ग्राम ने क्या किया बैक्टीरिया को दो पार्ट में कैटेगराइज किया एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव तो होपफुली आपको ये जो टेक्निक है समझ आई होगी जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया बताओ कि क्या आपको ये चीज समझ में आई कि किस बेस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया है क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो डार्क स्टेन लेते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो लाइट स्टेन लेते हैं जल्दी से मुझे बताइए क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका या मुझे ये चीज रिपीट करने की जरूरत है जल्दी बताइए ये चीज क्लियर हुई देखो आप अपना कंसेप्ट क्लियर होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जब ये चीज समझोगे बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी बात है जब आप इसको कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो आप आगे जाके उसको भूलने नहीं वाले हो तो आपके लिए आगे बहुत इजी होने वाली है सारी चीजें ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कोई बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो आप सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं तो यहां पर देखिए ये फॉस्फोलिपिड हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉस्फोलिपिड की एक सिंगल लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है तो इसको हम बाई लेयर भी बोल सकते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड गुड इवनिंग जीत देखिए अभी ये जो फॉस्फोलिपिड हैं इनके बीच बीच में कुछ इस तरह से कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं जो तो रैंडमली सेल मेम्ब्रेन पर कहीं कहीं प्रेजेंट होंगे इस तरह से कोई हो सकता है सेल मेम्ब्रेन से अटैच कुछ प्रोटीन्स बाहर भी हो, तो देखिए यहां पर ये जो फॉस्फोलिपिड बताया है इसकी स्ट्रक्चर को हम समझते हैं ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसको हमने बोला कि इसका जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है हाइड्रोफिलिक और जो इसकी टेल होती है ये दो टेल आपको यहाँ दिख रही है ये होती है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग तो ये जो एक सूरज क्लासेस की टाइमिंग जो है वो सुबह दस बजे आपकी क्लास होगी कल के लिए हम बात कर रहे हैं कल दस बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी उसके बाद कल पाँच बजे इवनिंग में आपके को एक और क्लास होगी और आपको जो शेड्यूल है वो आप हमारे बी के चैनल पर देख सकते हैं आप क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को प्रेस करिए तो जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे तो कल के लिए दस बजे और 5 बजे सेल बायोलॉजी की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहना अभी टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिपिड मॉलिक्यूल की बात करी जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है क्योंकि ये वाटर लविंग और वाटर हेटिंग दोनों पार्ट रखेगा अभी देखिए यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं पे ये कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पे प्रेजेंट है हमने कहा कि ये पेरीफेरल प्रोटीन है जैसे कि ये दोनों प्रोटीन जो हैं वो फेरी प्रोटीन है अभी ये जो प्रोटीन आपको यहाँ दिख रहा है जो कि पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एमडेड है इस प्रोटीन को हमने कहा कि ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है यानी कि ये मेम्ब्रेन के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है अभी ये प्रोटीन का फंक्शन क्या हो सकता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन के लिए ट्रांसपोर्टर्स की तरह या चैनल्स की तरह काम कर सकते हैं यानी कि स्पेसिफिक आयन को अगर इंटेक करना हो या किसी भी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का अगर इंटेक करना हो तो इस तरह से ये जो प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन ये कुछ इस तरह से चैनल पंप्स ये इन सारी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करेंगे और इनके थ्रू हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर या सेल के बाहर कराया जा सकता है तो अभी बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फंक्शन क्या क्या होते हैं तो देखिए सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन है कि वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट रखेगी उसके बाद बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर होती है तो सेलेक्टिवली नेचर मतलब कि जिन सब्सटेंस को बैक्टीरिया इंटेक करना चाहेगा वो उन्हीं सबस्टैंड को इनटेक करेगा यानी कि सिलेक्टेड मटेरियल को ही बैक्टीरिया इनटेक करेगा क्योंकि तो ऐसा ये जो नेचर है ये सेल मेम्ब्रेन की नेचर है जिन चीज की जिन मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को नहीं है वो उनको अंदर ले लेगा ही नहीं आने ही नहीं देगा तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर है यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर ट्रांसपोर्टर चैनल्स या पंप्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जो ट्रांसपोर्टर चैनल्स पम क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करेंगे सेल के अंदर लाना होगा किसी मॉलिक्यूल को तो सेल के अंदर लाएंगे या सेल से बाहर भेजना होगा तो सेल से बाहर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जानते हैं कि प्रो सेल में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं तो ये जो प्रो सेल की मेम्ब्रेन होती है ये एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन होती है यानी कि ये सेल के लिए एटीपी का सिंथेसिस करेगी तो हमने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन है ऐसा क्यों क्योंकि तो यहां पर एक एंजाइम काम कर रहा है जिसको हमने कहा एटीपी सिंथेस अभी जब सेल के बाहर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तब ये जो एंजाइम है ए टी पी सिंथेस ये क्या करेगा H प्लस को सेल के अंदर लेके आएगा और जब H प्लस सेल के अंदर आएंगे तब एटीपी का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया के लिए एटीपी का भी फॉर्मेशन कर रही है यानी कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन है चलिए अभी आगे देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको देखते हैं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो राइबोसोमल आरएनए यानी कि आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स थर्टी टू थर्टी फाइव कुछ प्रोटीन्स होते हैं इनसे मिलकर बने होते हैं जैसे कि आप समझ सकते हैं ये कोई आर आर एन ए है और ये इसके आर एन ए के साथ में कुछ प्रोटीन्स अटैच्ड है तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर है तो बेसिकली राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं रहते हैं ये राइबोसोमल आरएनए और मिलकर बने होते हैं और आपको इसका फंक्शन भी पता होगा कि राइबोसोम का सेल में क्या फंक्शन होता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि राइबोसोम बैक्टीरिया के लिए क्या हेल्प करने वाले हैं फटाफट पट कमेंट करके कि राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है किसी को पता है यहां पर राइबोसोम का मेजर फंक्शन क्या है तो राइबोसोम जो होंगे वो बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे बिल्कुल सही सूरज आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड तो बचपन से ही ये चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं अभी बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज की तो हमने कहा कि जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं ये हो सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो या फिर बिना किसी मेम्ब्रेन के एग्रीगेटेड फॉर्म में हो में बी प्रेजेंट इन मैम्रीन बाउंड तो बेसिकली इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो एग्रीगेशन होती है इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको किस तरह से स्टोरेज करके रखा जा सकता है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए उनका स्टोरेज फॉर्म जो होता है वो होता है ग्लाइकोजन और हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सल्फर और आयरन तो अगर बैक्टीरिया को स्टोरेज करके रखना है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का तो वो इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में इन सब्सटेंस का, का स्टोरेज करके रख सकते हैं अभी इंक्लूजन बॉडीज कब यूज आती हैं? मान लीजिए कि बैक्टीरिया किसी ऐसी कंडीशन में है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो तब बैक्टीरिया का क्या करेगा अपने सर्वाइवल के लिए इन इंक्लूजन बॉडीज़ को यूज़ करेगा और एडवर्स कंडीशन में ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वो वहाँ से एनर्जी गेन कर सकता है तो इस तरह से जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल रहती हैं अब बात करते हैं बैक्टीरिया के प्लाजमिट की बैक्टीरिया का जो प्लाज्म होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए से क्या मतलब है यानी कि बैक्टीरिया का जो मेन क्रोमेटिन मटेरियल है उसके अलावा भी कोई डीएनए अगर बैक्टीरिया में मिल रहा है तो हमने कहा कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए है अब ये जो होता है किसी भी बैक्टीरिया की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं होता है ऐसा हमने क्यों कहा क्योंकि जो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल जीन्स होते हैं वो बैक्टीरिया के मेन क्रोमेटिन मटेरियल पे होते हैं लेकिन जो प्लाज्मेड होता है ये बैक्टीरिया को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेगा जैसे कि ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है इसके अलावा बैक्टीरिया को ये मेटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सकता है इसके अलावा बैक्टीरिया के लिए वायरुलेंस फैक्टर का सिंथेसिस कर सकता है तो और भी हम बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बै बैक्टीरिया के बेटर मेटाबॉलिज्म के लिए भी जो प्लाज्मेड होता है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ जीन्स हैं वो भी बैक्टीरियल प्लाज्मेट पे हो सकते हैं तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अगर बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मेट ना प्रेजेंट हो तो भी बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा क्योंकि प्लाज्मिट बैक्टीरिया के लिए एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के एक्चुअल क्रोमेटिन मटेरियल की तो वो जो एक्चुअल क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो बैक्टीरिया के लिए इसेंशियल होता है उसके सर्वाइवल के लिए तो हमने कहा कि जो बैक्टीरिया का प्रोमेटिन मटेरियल है वो किसी भी बाउंड्री से कवर्ड नहीं होता है किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है तो ऐसे न्यूक्लियस को हमने न्यूक्लियोइड का या प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस से हमारा मतलब है क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो किसी बाउंड्री से कवर्ड नहीं है देखिए अब इस पे बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल जीन्स होते हैं जनरली जो बैक्टीरिया का क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है और हेप्लॉइड होता है यानी कि एक सेल में एक ही तरह का क्रोमेटिन मटेरियल मिलेगा हमने कहा कि ये सर्कुलर है और है और तो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया के न्यूक्लियस की अच्छा एक और चीज रह गई जो बैक्टीरिया का क्रोमेटिन मटेरियल है आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कितनी छोटी होती है और डीएनए जो होता है वो कई बेस पेयर लंबा होता है तो उसको जरूरी है कि बहुत कॉम्पैक्टली पैक करा जाए तो उसकी कॉम्पैक्टली पैकेजिंग के लिए डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं और वो जो प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं जैसे कि हीट थर्मो अनस्टेबल या हीट थर्मोस्टेबल ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल के साथ एसोसिएटेड रहेंगे और उस जो डीएनए को कम्पैक्ट पैकेजिंग में हेल्प करेंगे ताकि इतनी सी छोटी सी बैक्टीरियल सेल में भी कई बेस पेयर लंबा जो डीएनए है वो आ सके तो ये बात कर ली हमने बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड की अभी हम बैक्टीरिया के लोकोमोटरी ऑर्गन की तरफ चलते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से लोकोमोशन करेगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया के लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर है वो है फ्लजिला तो चलिए फ्लजिला जो होता है बेसिकली तीन पार्ट से मिलकर बना होता है पहला है बे, बेसल बॉडी दूसरा है हुक और तीसरा पार्ट जो है उसका फिलामेंट तो बेसल बॉडी जो होती है एक्चुअली मोटर की तरह काम करती है यानी कि अगर बैक्टीरिया को मूव कराना है अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये मोटर जब बैक्टीरिया को लोकोमोशन करना होगा तो ये मोटर स्टार्ट हो जाएगी बैक्टीरिया लोकोमोशन करेगा कुछ इस तरह से जो फ्लैजिलॉइड मूवमेंट्स होते हैं इस तरह से बैक्टीरिया फ्लैजिलॉइड मूवमेंट के थ्रू लोकोमोशन करेगा उसके बाद जो हुक होता है वो बेसल बॉडी को फिलामेंट से अटैच कराता है अब ये जो हुक होता है वो मल्टी सब यूनिट होता है अलग अलग सब यूनिट कुछ इस तरह से मिलकर ये हुक का फॉर्मेशन करेंगी तो हमने कहा कि जो हुक है वो मल्टी सब यूनिट है अभी बात करते हैं बैक्टीरिया के मेजर पार्ट की यानी कि फिलामेंट की ये जो फिलामेंट होता है वो फ्लेजलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कई बार ये एमसीक्यू में भी पूछा गया है कि जो बैक्टीरिया का फिलामेंट है या जो फ्लैजिला है वो किससे होता है बना होता है तो हमने कहा कि ये जो फ्लजिला है इसका फिलामेंट प्रोटी, प्रोटीन से बना है और ये जो प्रोटीन होता है ये भी इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है इस तरह के कुछ फॉर्म में सर्कुलर फॉर्म में बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं जो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं और इस तरह से इसका फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है तो मेनली जो फ्लैजिला का फंक्शन है वो बैक्टीरिया के मूवमेंट एंड लोकोमोशन से रिलेटेड है मतलब कि बैक्टीरिया को वो फ्लैजिला का यूज करके मूव कर सकता है अभी बात करते हैं कि फ्लैजला के बेस पर बैक्टीरिया को भी अलग-अलग पार्ट में कैटेगराइज किया है यानी कि बैक्टीरिया के कौन से पार्ट पर किधर फ्लैजला प्रेजेंट है फ्लैजला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर अलग-अलग बैक्टीरियास के टाइप देखते हैं अगर फ्लैजला बैक्टीरिया की एंटायर बॉडी को कवर करता है तो हमने कहा कि वो जो बैक्टीरियास होते हैं उनको हम बोलेंगे पेरिट्राइकस अभी किसी बैक्टीरिया पर एक भी फ्लैजिला नहीं है तो उसको बोला जाएगा ए ट्राइकस अगर एक फ्लैजिला किसी एक पोल पर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा मोनोट्राइकस अगर दोनों पोल पर दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा एम्फी ट्राइकस और किसी एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा लोफोट्राइकस यानी कि फ्लैजिला के फ्लाजिला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे अलग अलग बैक्टीरिया के ये कुछ टाइप्स हैं आ, सूरज आप कौन से प्रोटीन के नेचर की बात कर रहे हो आपका क्वेश्चन में नहीं समझिए आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को ठीक से आ, आप कौन से प्रोटीन के नेचर की बात कर रहे हो आप फ्लैजिला के अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है अगर आप ये पूछ रहे हो तो जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है अभी हम बात करते हैं बैक्टीरिया के दूसरे जो स्ट्रक्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की सरफेस पर कवर्ड होता है सरफेस पर रहता है वो है पिलाई या पिली तो जो पिली या पिलाई होती है ये हेयर लाइक प्रोसेस होती है और ये जो हेयर लाइक प्रोसेस होती है ये बैक्टीरिया की एंटायर सरफेस को कवर करेंगी मेनली इनका फंक्शन जो होता है वो बैक्टीरिया को किसी सरफेस पर अटैच कराने के लिए होता है तो यहां पर ये अटैचमेंट कॉन्जुगेशन एंड इन्फेक्शन इन तीनों चीजों के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करने वाला है ठीक है यहां तक आप सभी को समझ आया अगर आपको समझ आया है तो फटाफट से मुझे बताइए कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से अगर आपको लेक्चर इंफॉर्मेटिव लग रहा है आपको चीजें समझ आ रही है तो जल्दी से लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए मुझे खुश करने के लिए जल्दी से कम ऑन ठीक है तो ये बात हो गई बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनल्स ऑर्गेनल मोर स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अभी हम चलते हैं बैक्टीरिया के डिवीजन की तरफ कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो किस तरह से डिवाइड करती हैं तो देखिए बैक्टीरिया का जो डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के थ्रू होता है हमने बोला कि डिवीजन जो है वो बाइनरी फिशन से होगा अभी देखिए सुबह हमने बात करी थी कि बैक्टीरिया के अंदर साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है बट साइटोस्केलेटन के तौर पर वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि एफ टी एस जेड ये बैक्टीरिया का साइटोस्केलेटन बनाएंगे तो यहाँ देखिए कोई एक ये बैक्टीरिया है ये चारों तरफ किसी से कवर्ड है बीच में ब्लू कलर से इसका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए दिखाया गया है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा इलांगेट होगा उसको डिवीजन करना है, तो बैक्टीरिया को दो नई सेल्स बनानी है अभी दो नई सेल्स बनाने के लिए उसको अपना इलोंगेशन करना होगा साथ साथ में उसका जो डीएनए है उसका रेप्लीकेशन करना होगा सॉरी तो हाँ यहाँ पर बैक्टीरिया इलांगेट हुआ रेप्लीकेट किया और जो जेनेटिक मटेरियल था उसका जो डीएनए था उसका उसने डुप्लीकेशन कर लिया जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो एफ टी एस जेड नाम का एक प्रोटीन है जो कि इस तरह से इस बैक्टीरिया के फिलामेंट के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और धीरे धीरे ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बीच में से कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा बैक्टीरिया को और जो बैक्टीरिया है वो इस तरह से दो अलग अलग बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएंगे और डिविजन के बाद ये जो बैक्टीरिया है हमने कहा कि दो नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे इस तरह से कुछ बैक्टीरिया ने दो अलग अलग नई नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर दिया है तो यहाँ पर बाइनरी फिशन के थ्रू बैक्टीरिया ने अपना डिवीजन किया इसमें एक प्रोटीन जिसका नाम है एफ टी एस जेड उसने उसने डिवीजन में बैक्टीरिया की हेल्प करी तो इस चीज को थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है एफ टी एस जेड ये बैक्टीरिया का साइटोस्केलेटन प्रोटीन है तो ये तो बात हुई बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपको इस लेक्चर में क्या कुछ डाउट है आपको सारी चीज़ें समझ आई है जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको कोई डाउट है आपको कुछ ऐसी चीज रह गई है कि आपको वो चीज़ जाननी है या मुझसे मैंने कुछ आपको नहीं बताया है या कोई ऐसा टॉपिक जो कि मैंने फास्ट एक्सप्लेन कर दिया और आप चाहते हो कि मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आपको ये लेक्चर समझ आया आज के टॉपिक में हमने जो कुछ भी कवर किया है देखिए आज हमने सबसे पहले साइज के अरेंजमेंट देखा उसके बाद हम बैक्टीरिया के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आए। ओके। बोल रहे हैं कि मुझे दोबारा से लेक्चर देखना होगा बिल्कुल आप जितनी बार चाहें उतनी बार लेक्चर देखिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं है बस आप इस लेक्चर को लाइक कर दिए ताकि ये जो लेक्चर है आपके लाइक्ड वीडियोज में रहेगा और आप जब भी चाहें उस लेक्चर को देख पाएंगे आप लेक्चर को देखिए रिविजन करिए चीज़ों का तो यहाँ पर हमने साइज शेप एंड स्ट्रक्चर के बारे में देखा फिर हमने बैक्टीरिया के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे देखा उसमें कैप्सूल देखा सेल वॉल देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा राइबोसोम के बारे में पढ़ा इंक्लूजन बॉडीज के बारे में पढ़ा प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड फिलई फ्लजिला डिविजन इतने सारे टॉपिक आज हमने कवर किए हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है आपको थ्योरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से उठ के आएगा और ये जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्टली नंबर दिला सकता है तो इस लेक्चर को आप अच्छे से पढ़िए रिवाइज करिए बहुत ही इजी लेक्चर है और आप लोग तो वैसे भी इतने इंटेलिजेंट है कि आपको इतना कुछ पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा आपको इतना कुछ याद करने में टाइम नहीं लगेगा ठीक है तो थैंक यू वेरी मच ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लेक्चर शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी क्लास लूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि अभी क्लास होने जा रही है वैसे कल की क्लास का टाइमिंग सुबह दस बजे और शाम में पाँच बजे रहने वाला है बिल्कुल हुसैन शाह थैंक यू सो मच आप लोग आप जो एफर्ट्स करें इवन आप ख़ुद भी मैंने आपको नोटिस किया आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों का आंसर भी करते हैं आप अपने बिल्कुल सजेस्ट करिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो लोग भी अच्छे से इस टाइम का इन क्लासेस का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएं शुभम बिल्कुल डेली क्लासेस चलेंगे शुभम अभी बीच में दिवाली का जो गैप रहेगा उस टाइम आप भी छुट्टी मनाइए मुझे भी थोड़ी सी रेस्ट करने दीजिए मुझे भी थोड़ा दिवाली सेलिब्रेट करने दीजिए दिवाली के बाद हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे बट कल की क्लास आपकी सुबह दस बजे और शाम में 5 बजे होने वाली है तो बिल्कुल क्लास अटेंड करिए जरूर क्लास अटेंड करिए क्योंकि कल जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आपको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है क्योंकि कल हम यू सेल के बारे में देखने वाले हैं तो थैंक यू सो मच एवरी थैंक यू ऑल